सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषधि है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये टाच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना ये वात का रोग है। हड्डियों में, जॉइंट्स में दुखना ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया। एक चम्मच रात को एक गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है, मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको एलडीएल कहते हैं, वीएलडीएल कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रोग में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है। 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना। सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद क्या जूस पीना होता? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी है। मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए? दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहे तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते। सर पुदीना खाने से क्या फायदा? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना पे पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए, लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है। ठीक है, अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। हाँ, ले सकते, गायत्री परिवार की मिलते बाजार में।
वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देशी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में। सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छाव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा, डिब्बे में भर के रख लीजिए। इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है। आप चाहें तो आप कुछ भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूं। अद्भुत है ये मेथी दाने। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको एक थेम कान में डाल दें। एक ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग। और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखे। थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए। दर्द जैसे ही खत्म हुआ कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है। पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती। ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलती रहते, नींद ही नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके ये 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, साइड नाखून है उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए। और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसमें पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए। इधर 3-4 दाने रखिए, टेप बांध दीजिए, इधर रखिए, टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में। जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 5-4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिर दर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिर दर्द चला जाएगा। जी अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए, 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए। इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो, जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करे। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, आप बहुत तेज दर्द हो रहा है,
और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलो टेप। 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है आप ये पूछोगे जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन ये विशेष औषधि है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है, सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लो। गुड़गे का भी, गुड़गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए। सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं, मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी खराब होता नहीं है, और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा ये, फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर देगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पे लगा दीजिए, कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें, इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे, पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसे। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है, अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलो टेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने, पहचानने का। मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो, खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा, जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोएं, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपकी। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।